सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं देवांग भाई, डिस्टर्ब होने की तो कोई बात ही नहीं है। आप हमारे घर पर फिर से? दरअसल मैं, हाँ यही है, मेरे गॉगल्स यहाँ भूल गया था। हाय राम, मतलब आप मुंबई से अहमदाबाद वापस आ गए, वो भी सिर्फ गॉगल्स लेने? अरे गर्लफ्रेंड ने जो गिफ्ट दिया है। ओहो, वरना फिर डांट पड़ती है ना? डांट तो बहुत बार पड़ चुकी है, इस बार तो मार ही पड़ती। इसीलिए कहता हूँ कि हर एक चीजों को संभाल के रखा करे, और जीवन को तो खास, और उसमें भी अपनी चीजों को हमेशा। थैंक यू, बाय बाय। हाँ ये इसलिए के है, ये दोने के थमदिया। हाँ चल दा। ये तनैया तू ना धाका धाई लेगा, एक बार मैडम से पूछ ले तब कपड़े मिक कर दिए, वरना मुझे तीर दाल पलेगी तुझे माल। अरे हाँ यार, मैडम को पता चला ना तो ऐसे ही पोटले में मुझे पन तलते दाव तातिया वाल भेज देगी। मई भाभी को पूछ लेता हूँ, तौन से दोने थे तौन से इसलिए तलने थे। पूछले मई भाभी, मई भाभी। हाँ हाँ, ओहो चंदू भाई, अरे वाह वाह वाह, 100 साल जियोगे आप, मैं अभी आपको याद कर रही थी। ये लो सागर जी के कपड़े हैं, इसको मस्त चकाचक धो देना। हाँ और खास करके ये ग्रे वाला शर्ट, हाँ इसमें सागर जी बड़े हैंडसम दिखते हैं, तो एकदम मस्त चकाचक कर देना। आपका तो हो गया, लेकिन इधर है ना, तौन से कपड़े इसलिए के तौन से धोने थे, वो सब दलबल हो गए, इसने साले तपले मिस तल दिए। मैंने नहीं दिए, तूने दिए सब। अरे तूने मिस किए? मैंने कहा था मैडम से पूछ ले। अरे तो झूठ मत बोल, तूने मिस किए, तूने मिस किए, तूने मिस किए। बस बस बस, पूरे दिन झगड़ते ही रहते हो आप दोनों। चलो हो गया खत्म चैप्टर। अच्छा चंदू भाई, आप एक काम कीजिए, सारे कपड़े पहले धो देना और फिर इस्त्री कर देना, सिंपल। कहाँ चली गई? कल ऑफिस से आने के बाद मैंने यही तो टंगाई थी। मही मही मही, अब मही, अब मही मेरी ग्रे शर्ट नहीं मिल रही है। कबर्ड में ही होगी सागर जी। कबर्ड में नहीं है यार, मैंने चेक कर लिया है। तो ओ हाँ, वो मैंने धोबी को दी है धोने के लिए। हाँ? क्या ना, उसके कॉलर पे कुछ दाग लग गया था, इसलिए धोने को दे दी मैंने, इसीलिए। हाँ बाबा ठीक है, लेकिन तुमने उसकी पॉकेट में से डिमांड ड्राफ्ट निकाल लिया था ना? ड्राफ्ट? अरे मतलब चेक, वो बैंक का चेक आता है ना, डिमांड ड्राफ्ट वैसे ही होता है। वही तुमने डिमांड ड्राफ्ट निकाल लिया था ना? हाँ एक मिनट जरा। हाँ सोचो। हाँ याद आया? नहीं। ओहो मैं, क्या हुआ सागर? अरे मॉम, वही ने मेरी शर्ट बिना चेक किए धोबी को धोने के लिए दे दी, और शर्ट की पॉकेट में डिमांड ड्राफ्ट था जो मुझे क्लाइंट ने दिया था ऑफिस में जमा करने के लिए। ऐसी लापरवाही, मैं क्या करूं? अगर वो डिमांड ड्राफ्ट हो गया या डैमेज हो गया तो बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, और फिर वो क्लाइंट क्या सोचेगा कि सागर कितना लापरवाह है। हेलो तंदू। हाँ हाँ, तभी इतनी देर पहले? हाँ नहीं नहीं भाभी, मैं नतल नहीं तल रहा हूँ, मैं खुद भी तोत रहा हूँ। कन्हैयालाल कुछ पता चला? दुलाई किसकी? नहीं नहीं, वो तंदू धोबी 2 घंटे पहले ही धोबी घाट में तपले धोने के लिए निकल गया। वहां गया ड्राफ्ट। देख लिया तुम्हारी लापरवाही का नतीजा मही? अब तक तो वो शर्ट धुल भी गई होगी, और वो डिमांड ड्राफ्ट पानी में भीग के चीथड़े जैसा हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम, मेरी आदत है कोई भी कपड़े धोने से पहले उसकी देह एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ। ले दे थागल भाई, ये डिमांड ड्राफ्ट और 1000 का नोट। चंदू भाई अम्बे माँ आपकी रक्षा करे। चंदू तुम ईमानदार तो हो ही, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम समझदार भी हो। थैंक यू। वरना कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि कपड़े धोने से पहले जेब तक चेक नहीं करते। हेलो, हाँ वकील साहब। कमॉन मही, कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगी? हाँ आपने देखा नहीं सागर जी, वो धोबी के सामने सासू माँ ने कैसे मेरी इज्जत ही धो डाली। लापरवाह बेवकूफ,
क्या क्या नहीं कहा मुझे। देखो मई, मैं मानता हूँ कि मॉम को धोबी के सामने तुम्हें इस तरह नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन मई एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि तुमसे लापरवाही हुई है। अब जरा सोचो, अगर चंदू मेरे शर्ट की पॉकेट नहीं चेक करता तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी जाता और साथ में 1000 का नोट भी। सॉरी। मई इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। चलो तुम अपना मूड ठीक करो और मुझे हंस के दिखो। ऐसे नहीं, वो मही वाली हंसी। पुराना माल लूंगा पर कड़क नोट दूंगा। कबाड़ी वाले भैया, कौन कबाड़ी वाले भैया? ऊपर आइए, ऊपर आइए। कन्हैया लाल, जल्दी से पुराने अखबार लेकर आओ। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रद्दी बेचने के नाम से खुश क्यों जाती हो? सिर्फ मैं ही नहीं सागर जी, हिंदुस्तान की सारी हाउसेस खुश हो जाती है। रद्दी बेचकर जो पैसे मिलते हैं ना, उसका एक अलग ही मजा होता है। कन्हैया लाल जल्दी आओ। अच्छा बाबा, तुम लोग रद्दी बेचो, मैं आता हूँ। ला, और है क्या? हाँ होता, आने तो दो। तो पुराना माल लूंगा पर कड़क नोट दूंगा। बोलिए बहन जी। अच्छा भाई, हमें पुराने अखबार देने हैं तो क्या भाव लोगे? 8 रुपए किलो। 8 रुपया बहुत कम है। कैसी बात कर रहे हैं आप, सब जगह यही भाव चल रहा है। इसे बेवकूफ बना लो, सब जगह ज्यादा भाव चल रहा है। एक तो आप लोग भाव कम देते हो, फिर वजन में भी ऐसे ताते में भी दलबल चलते हो। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले मुझसे सुपारी थुक के आओ। मैं थुपाली नहीं था समझे? अच्छा समझ गया, तुम तोतले हो। मुझे तोतला बोलता है, मस्ती चलता है, मेली तोतले, मेली मजा चलता है, मेली मजा चलता है, मेली मजा चलता है, मेली मजा। करियल, जो भी घर में तुमसे मारने लगते हो? मुझे तोतला बोलना है, मेली मस्ती चलना है। एक मिनट हो गया, सॉरी बोला अभी उन्होंने, मैंने सुना। अब जाओ, अंदर जाओ, किचन में जाओ। जाओ जाओ। भाई साहब आप 8 रुपए के हिसाब से लगाइए, आप अखबार तोलिए। कागल भाई, ये वजन ताता तेज तलना दलबल चलेगा। मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज आप अंदर जाइए ना। आप प्लीज करिए तौली। पंद्रह किलो में 300 ग्राम का, दो तीन दिन का अखबार और होगा तो ले आई। हाँ, अभी लाती हूँ। होगा? हाँ, 300 ग्राम तो होगा। 15 भी ज्यादा होगा शायद। पूरे 15 किलो। 15 × 8 120। हाँ, पूरा नाम लूंगा पर कड़क नोट दूंगा। अरे वाह। हेलो सागर। हाँ मैम। हमने जो अभी नई प्रॉपर्टी ली है ना, उसके पेपर्स में सुबह लिविंग रूम में बैठकर पढ़ रही थी। हाँ, लेकिन वो धोबी वाले तमाशे में मैं वो लिविंग रूम में ही भूल गई हूँ। हाँ, वो लिविंग रूम में सेंटर टेबल पे रेड फाइल होगी, उसमें हरे पेपर्स थे। हाँ, तो जरा देख लेना और मैं ऑफिस बॉय को भेज रही हूँ, उसके हाथों प्लीज भिजवा देना। ओके मॉम। हरे रंग, लेकिन इसमें तो कोई हरे रंग का पेपर नहीं है। मही, मही। सागर जी। मही, तुम्हें टेबल के आसपास से कोई हरे रंग का पेपर उठाया क्या? कैसे पेपर? अरे वो प्रॉपर्टी के पेपर होते ना हरे रंग के, वो यहाँ टेबल के आसपास थे, तुमने उठाए क्या? वो, हाँ तो कहाँ है वो पेपर? अरे मही सोच के आ रही है, बताओ पेपर्स कहाँ है? वो तो सागर जी, मैंने गलती से कबाड़ी वाले को दे दिए। अले मई बाबी, तनिया लाल, अले तहां चले गए तब लोग दलवाजा तुला तोल के? चल दलवाजा बंद किया करो। अले मई बाबी, दलवाजा खुला तोल के कहां चले गए तब आप?
अले यार चंदू, ये दलबल हो गई। क्या हुआ? ओ, एक लद्दी पस्ती वाला आया था ना, तो उस तो ना ऐसे अकबल के साथ वो ऐसा तो बोला, तो कौन सा पेपल प्रॉपर्टी आओ पॉलपति था, पेपल भी दे दिया। क्या तू धाका धाई ले गया, कल दिया ना दलबल, देख के नहीं देख सकता था? नहीं लाल प्लीज। नहीं नहीं चंदू भाई, ये बेवकूफी मुझसे हुई है, और हम तीनों बाहर से आ रहे हैं, कबाड़ी वाले को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई, भाई समझो आपका पेपर मिल गया। ये बताइए वो कवाली वाला जो है काला तकला चश्मा लगाता था और बात बात पे बोलता था कि पुलाना थामान लूंगा और कड़क नोट दूंगा। हाँ 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 चंदू भाई, वही कबाड़ी वाले भाई, कहाँ है? समझो आपका पेपर मिल गया। वो कपाले वाला शायद नवलंग पुला की ओली गया होगा, मैं भी उसे ढूंढ के लाता हूँ। चल मैं भी साथ में आता हूँ। आप प्लीज मत जाओ, आप उससे फिर से झगड़ा करोगे। हाँ प्लीज। हाँ चंदू भाई आप जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ। हाँ जाओ 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 पापा जल्दी। ओह माय गॉड, क्या हुआ सागर जी? वही मॉम का एसएमएस आया, अब प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने मॉम ऑफिस बॉय को नहीं भेज रही है, वो खुद आ रही है। प्लीज मेरी रक्षा करना, सब संभाल लेना। ओके यही वाले भाई थे। कब से इंतजार कर रही थी पापा। अच्छा कबाड़ी वाले भाई, हमने आपको जो वो पुराने अखबार दिए थे ना, उसमें गलती से एक इम्पोर्टेंट पेपर्स आ चुके हैं, तो वो हमें वापस चाहिए। लाओ हमारे पेपर्स, हमें वापस कर दीजिए। देखिए अब कुछ भी सामान वापस नहीं मिलेगा, जो सामान आपने मुझे भेजा था वो मैंने किसी और को बेच दिया। क्यों? अरे झूठ बोल रही है, मैं जानता हूँ ऐसे धतिया लोग को। धतिया किसको बोला? तोतले तोतला किसको बोला? तुझको। पुराना सामान लूंगा, कड़क नोट दूंगा, मैं भी तान से नीचे एक दूंगा और प्रॉपर्टी के साले पेपर वापस लूंगा। चंदू छोड़ दे मुझे, आज इस तबाली वाले की वो हालत चलूंगा ना तो इसे तबाल में भी नहीं लेता। अबे जा, पहले ढंग से बोलना सीख के आ, बाद में आना लड़ने के लिए। बोल दिया ना एक बार तुम लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास नहीं है, फिर भी बार बार झूठ बोल रहे चागल भाई। मई भाभी ने अपने हाथ से वो मैडम के हले तले पेपर इस तो अकबाल के साथ दिए थे। धतिया अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। थैंक यू। लीजिए पानी पीजिए। हाँ शांत हो जाइए, पानी पीजिए। अब आप हमें आराम से एक बात बताइए कि आप हमारे घर से जो रद्दी ले गए थे वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? केके के पास। कौन केके? कालिया कबाड़ी। कालिया हम कबाड़ियों का होलसेल। अच्छा। हम सभी लोग उसी को माल बेचते हैं। आपकी सब बात मैंने समझ ली। हाँ आप पहले तो ये 500 रुपए रखिए। अब आपको एक काम करना होगा। आपको वो केके और क्या नाम है उसका? कालिया कबाड़ी। कालिया कबाड़ी, कालिया कबाड़ी को लेकर आपको यहाँ आना होगा। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि वो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें लौटा दे। ठीक है मैं बात करता हूँ, उसको लेकर आता हूँ। थैंक यू। और मही अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। हाँ क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस नहीं मिले तो सागर तुम्हें मायके छोड़ आएगा। प्यार करने के लिए यही नमूना मिला था क्या तुझे? तो सागर जी मुझे नमूना बोला, मैं नमूना हूँ क्या? अरे नहीं तुम तो नगीना हो। ये कौन है? कालिया कबाड़ी वाला उर्फ केके। ओहो हाँ हाँ आइए आइए आइए। सासू माँ, सासू, हाँ सासू माँ आगे केके भाई।
है कालिया भाई। देखिए कालिया भाई, बात ऐसी है कि हमने गलती से हमारे पेपर्स, पता है सब पता है, आपके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच केके भाई। देखिए भले ही मैं कबाड़ी हूँ लेकिन इतना गया गुजरा सामान नहीं लेता हूँ। क्या मतलब? देखिए ये जो थैंक यू है ना, वो मेरे एकदम बेकार की चीज। हाँ अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 25,000 दीजिए। कमाल है, हमें हमारे पेपर्स देने के लिए आप हमसे 25,000 रुपए मांग रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि वो पेपर्स अब आपके रहे थे क्यों, और दूसरी बात आपने खुद ने वो पेपर्स रद्दी में बेचे और बेचे हुए माल पर खरीदने वाले का हक बनता। देखो ठीक है भाई, 2-3 हजार में चलेगा ना? 2-4 हजार कमीशन तो मेरा बनता है, और मेरे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो केके भाई का 15-20 हजार तो बनता ही। कमीशन थाने वाले तबाली। देखिए ये धंधे का टाइम है, अगर तुमको ये डील करने का है तो हाँ बोलो, नहीं करने का ना बोलो। भाई साहब केके भाई मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, मतलब कुछ तो कम करो। हाँ अरे यार डिस्काउंट के इन लोगों को ऐसी बुरी आदत लग गई है अहमदाबादियों को। चलो ठीक है 20,000 तेरा, 10,000 एडवांस दे दो और बाकी के 10,000 पेपर्स मिलने के बाद बोलो मंजूर है। नहीं, नहीं, चुप, मंजूर है। हाँ सागर इनको 10,000 रुपए एडवांस दे दो। सागर दे दो, अब जिस सास की बहू इतनी लापरवाह हो उस सास को अपनी बहू की गलती का हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा ना। देखिए आप किसी आदमी को मेरे साथ में गोदाम में भेज दीजिए बाकी का एडवांस देने के लिए, और आपके पेपर्स दे दूंगा और मैं अपने पैसे ले लूंगा। हाँ, मैं आती हूँ आपके साथ, मैंने पेपर्स भी देखे हुए एकदम अच्छे से। कन्हैयालाल ये बाकी के 10,000 रुपए लीजिए और जाइए इसके साथ और पेपर लेकर आइए। लेकिन 20,000 गया। निकलिए निकलिए, बाकी के 10,000 निकालिए मैडम। देखिए केके भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, किसी की मजबूरी पर ऐसे कमीशन खाना अच्छी बात नहीं है। अरे कमीशन का तो अपना धंधा ही है मैडम, अगर हम मुनाफे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम फिर अपना सपना कैसे पूरा करेंगे ना? हाँ। ऐसा सपना अपन को भी ना फिर मुलायम काम करने का, 70 mm पर्दे पे आने का, बड़ा काम करने का, बड़ा रोल करने का। डन डन डन। मतलब आपको फिल्म में एक्टिंग करने का शौक है? देखिए केके भाई मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे आप अपने सपने की तरफ ना पहला कदम आराम से बढ़ा सकते हो। वो कैसे? अब तो मैं हीरो बन ही जाऊंगा। किरण चाचू माँ सागर जी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए। हेलो डिंग चिक्का चिक्का चिक मिल गए, मिल गए प्रॉपर्टी के। अरे वही मेरी प्यारी बहू, वाह वाह कमाल कर दिया तूने तो। वेलकम चाचू माँ, वेलकम। ये वो पेपर्स नहीं है। नाना वे ससमा सागर जी ने मुझे बोला था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स हरे रंग के हैं और ये हरा रंग है, देखो देखो। अरे चापली जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना, वैसे हर हरा पेपर प्रॉपर्टी का पेपर नहीं होता है।
एडवर्टाइजमेंट का पैम्फलेट है ये, नवरंगपुरा मार्केट में सेल। जाओ शॉपिंग करो। क्या बात कर रहे सासु माँ, हाय हाय, नवरंगपुरा मार्केट में सेल, अरे वाह वाह वाह, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, और सासु माँ कितने टाइम तक चलेगा वो भी देखो। देखा आपने, ये प्रॉब्लम हर लेडीज की है, यहाँ सिचुएशन इतनी सीरियस है और सेल का नाम सुना कि नहीं ये सब भूल जाती है। वही 20,000 रुपए देके हमने ये खरीदा है। मॉम, मुझे तो लगता है उस केके ने पैसे ऐंठने के लिए हमें धोखा दिया है। नहीं सागर जी, मुझे अच्छे से याद है सासू माँ, मैंने यही पेपर दिए थे अखबार वाले को, मुझे अच्छे से याद है ना। अरे मैं बाबू, हाँ ये देखो दुख किसी ऑल सेल का पेपर मिला है। अरे अरे कन्हैयालाल, अरे वाह, यही तो है ओरिजिनल प्रॉपर्टी के पेपर्स। ये पर आपको मिले कहाँ से? इधर इधर वो थोके के नीचे पड़े थे। ओ कन्हैयालाल, अबर अबर की पिटा। सासुमा, आ सासुमा, कहाँ खो गई? वो मैं पेपर्स जब पढ़ रही थी ना, तब फाइल में से शायद गिर गए होंगे। सागर सर, सागर सर, पेपर सर, ये 20,000, 20,000 वो एंट्री फीस के लिए। एंट्री फीस? हैं? एंट्री फीस? ओ सर, मई भाभी जी ने बताया कि आप एड फिल्म बनाते हैं। नहीं मैं बनाता नहीं है। अब मना मत कीजिए प्लीज, मना मत कीजिए। एक के प्लीज, बस बस के भाई, कंट्रोल, बस ले लीजिए सागर जी, अपने ही है, ले लो ले लो, हमारे पैसे है, ले लो। हाँ, हमारे हाँ? पैसे ले। चलो थैंक यू के भाई, और सॉरी भी हाँ, क्योंकि सागर जी ना सिर्फ एड फिल्म्स लिखते हैं, बनाते नहीं हैं। मतलब मैं मामू बन गए? हाँ के भाई, किसी के मजबूरी का फायदा उठाने वाले कालिया भाई, आइंदा से ध्यान रखना कि सामने कौन खड़ा है। अरे मही मेहता नाम है मेरा। मैं तो मामू बन गया।